लॉकडाउन के दूसरे चरण में पुलिस दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर ज्यादा सख्त तेवर दिखा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। लॉकडाउन का दूसरा चरण प्रारंभ है। पुलिस चाहती है पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी हमारी जीत हो। सबसे रीवा शहर सबसे घना इलाका, यहाँ पर लगातार समस्याएं, किसी भी तरीके से यहाँ पर लोग लॉकडाउन के पालन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक गाड़ी में दो सवारी बैठ के निकल रहे हैं। यहाँ का पुलिस प्रशासन लगातार उन पर कड़ी नज़र रख रहा है। हम इस समय मौजूद हैं थाने के परिसर के अंदर, हमारे साथ यहाँ के TI मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे किस तरीके की समस्याएं, जबकि लॉकडाउन से उन्हीं को बचाने के लिए वो खुद लड़ाई लड़ रहे हैं, उस तरीके से वो किस तरीके से आप ये समस्या आपको आ रही है। क्या कहूँ, कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मूलतः हमें समझदार होना पड़ेगा, मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूँ। हमें शब्द का मतलब है कि हम सबको समझदार होना पड़ेगा। अगर आपको बचाने के लिए हमें आपसे युद्ध करना पड़े तो ये बड़ी खराब स्थिति है। लोगों को समझदार बनना पड़ेगा। नहीं मान रहे हैं, जाने क्या उनके विचार हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सोच रहे होंगे। हमारे क्षेत्र में अभी ऐसा कोई पॉजिटिव मरीज नहीं निकला है, इसलिए शायद उनको लगता है कि कोरोना नहीं आएगा। लेकिन कभी देश में भी कोरोना नहीं था, कभी विश्व में भी कोरोना नहीं था, लेकिन वो आया। तो हम आने का इंतज़ार ना करें, हम उसके पहले ही सतर्क हो जाएं। इसके लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। नहीं मानने पर उनका चालान कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं, प्यार से दंड दे रहे हैं कि हम आपको बचा सकें। दंडित करके ही अगर हम आपको बचा सकें तो हम कामयाब माने जाएंगे। दंडित करना भी पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, हमें आपको बचाना है, उसके लिए हमें चाहे जो करना पड़े हम करेंगे, लेकिन कोरोना से हम लड़ाई में जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे, ऐसा कुछ कहना था यहाँ के थाना प्रभारी का। मैं जावेद अंसारी, न्यूज़ नेटवर्क टुडे के लिए समीम सौदागर के साथ। कोरोना को हराना है, अभी तक हमने यह कर दिखाया है, आगे भी ऐसा ही करेंगे। घर पर रहिए, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और दीजिए इजाजत अपने मेजबान जीशान जावेद को, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।